चेंज कम है, कपल स्पोर्ट ज्यादा है, बहुत सारे खोप चेंज के अंदर बहुत मजे चल रहे हैं, हमें तो देख के मजा आ रहा है। तो भाई लोग कैसे हो, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अभी हम लोग जो है ना दिल्ली टू राजस्थान ट्रिप करने वाले हैं, बहुत मुश्किल से प्लान बनाया है, 4-5 लोग हैं और मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए। छोटा सा टूर है यहाँ से भानगढ़ का, फिर हो सकता है अलवर वगैरह भी एक्सप्लोर करेंगे, वो आपको आगे दिख ही जाएगा वीडियो में, जो भी हम करने वाले हैं, जहाँ भी रहने वाले हैं, जो भी स्टे रहेगा, जैसे भी रहेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से चलते हैं पेट्रोल पंप पे, बाइक में पेट्रोल डलाते हैं। अभी सुबह के बजे हैं 3:30, तो हम लोगों का इरादा है वही 5 बजे तक दिल्ली से निकल जाने का। तो मीटअप पॉइंट रखा हमने कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन पे, तो वहाँ जाके मिलते हैं सब लोगों से। पहले चलते हैं फटाफट अर्शद भाई से मिलते हैं करदमपुरी, फिर वहाँ से हम जाएंगे पेट्रोल डलवाएंगे, पेट्रोल डलवा के सीधा पहुँचेंगे हम अपना मीटिंग पॉइंट पे। चलिए ठीक है, ऑल राइट, बाय बाय। भैया पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप पे, अभी पेट्रोल फिल करा दें, पूरा देखते हैं जितना पेट्रोल आता है। तो गाइस और उनकी बहनें पहुंच चुके हैं हम अपने मीटअप लोकेशन पे, ये अर्शद भाई की जावा। अर्शद भाई हाय कर दो एक बार, बाकी देखते हैं 2 भाई और आ रहे हैं, जब वो आ जाएंगे फिर हम लोग निकलते हैं अपना सीधा राजस्थान के लिए। और तबरेज भाई 5 किलोमीटर से यूटर्न मार के आ गए ना, आगे निकल गए, हमें देखा नहीं भाई। तो दोस्तों हमारा काफिला निकल चुका है अलवर भानगढ़ के लिए, और अभी बजे हैं सुबह के 5, और अभी जैसे कि हमने ना वेदर चेक किया था अलवर का, तो वहाँ बारिश दिखा रहा था, बाकी देखते हैं आगे कैसा मौसम मिलता है। यहाँ पे भी हल्की हल्की भी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, सारे प्लान की माँ बहन होते हुए। और अभी बाइक चल चुकी है हमारी 49.7 किलोमीटर, बाकी मैं धीरे धीरे आपको अपडेट देता रहूँगा, बीच में जो क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं वो भी अटैच कर दूँगा। जीडी का उद्घाटन करते हुए, क्यों ले रखी है तुमने ट्यूब वाली बाइक? हाँ भाई इसमें ट्यूबलेस कराओ यार। भाई पहुंच चुके हैं हम लोग भोज में, चलते हैं जरा पंचर वंचर लगवाते हैं इनकी बाइक का। कवरेज भाई का चैनल है इस नाम से, अगर आप लोग शूट वगैरह देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो इनको सब्सक्राइब करो, ये हैं चौमिन से बाल वाले तबरेज भाई। तो भाई देखा आपने, यहाँ हमारे साथ पंचर वाले ने जो स्कैम कर दिया, उसने एक ट्यूब चेंज करी और 2 टायर में छोटे छोटे पैच लगाए, जिसका उसने हमें कॉस्ट किया 1000 रुपये। देख रहे हो आप मतलब कितनी धांधलेबाजी चल रही है। तो रास्ते का मजबूरी का उसने हमारा फ़ायदा उठाया, सुबह 7 बजे हमें कोई मिला नहीं, तो फिर हमें उससे ही काम कराना पड़ा। ये कुछ नज़ारे हैं, बारिश हमें कंटेंट आज बनाने नहीं देगी बिल्कुल भी, देख कैसे लग रहा है। क्या लगता है अर्शद भाई पहुँच पाएंगे टाइम से या नहीं? हाँ तगड़ी बारिश है, चलो कोई नहीं, देखते हैं भाई, पेट्रोल पंप पे रुके हैं फिलहाल। भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मूवी के प्लेस पे आ गए, मतलब सच में यार देख रहे हो क्या रास्ता है भाई यार, करो ये कुछ हमारा स्टे है, और होटल का नाम मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, एक बार आप लोग जरा पढ़ के बताओ क्या है, मुझे तो ये कोई गाली सा लग रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है देखना ज़रा कमेंट में बताओ ज़रा मेरे को क्या नाम है ये होटल का। और अर्शद भाई कुछ ऐसा व्यू है गाइस, इधर देखो चेक करो हमारे पहाड़ी पहाड़, पहाड़ के बच्चे हैं ये, लेकिन मनाली वाले पहाड़ नहीं है, उसके सामने कुछ भी नहीं है, कोई नहीं फिलहाल इससे काम चला लेंगे। उधर नीचे देखो हमारी बाइक्स पार्किंग भी, 2 बाइक आपको स्पॉट हो गई होंगी इसमें, कवरेज भाई की और एक मेरी बाइक है, 2 बाइक जो है मेरे जस्ट नीचे खड़ी हैं। चलो कोई नहीं, अब थोड़ा फ्रेश होते हैं, फ्रेश होते हैं थोड़ा सा, फिर खाना पीना करके और हम इस वाले होटल से निकलते हैं। तो भाई लोगों स्वागत है एक बार फिर से हमारी वीडियो में, भाई साहब मज़ा तो आया, स्टार्ट तो करो वीडियो भाई, बाबा स्टार्ट नंबर तो चल गया।
लेकिन भाई जो वहाँ से राइड हुआ मौसम क्या मिला है? मौसम नहीं तो मजा आया, बारिश मजे का मौसम आया, थकान जरा सी महसूस नहीं हुई। क्या बोलते हो? तो ये कुछ ऐसा रूम है हमारा जो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, अपने का बड़ा सस्पेंस बना के चलूँगा अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, रूम अच्छा है, एम्बियंस होटल का भी अच्छा है, रूम भी अच्छा है। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार बैक व्यू से। प्राइस जो ना थोड़ा बहुत देखो, बात पता क्या है, प्राइस थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है। सेम ऐसे रूम एक और लिया हमने, वो दूसरी साइड में, उधर अभी भाई एक वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं इसलिए उन्होंने लॉकिंग किया हुआ है। ये बाहर का व्यू है गाइस, और इधर नीचे अपनी बाइक्स वगैरह पार्क की हैं। नीचे वो भी है शिकागो पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी भी है, वो शायद आपको बहुत उसमें विजिबल हो रहा होगा। तो कुल मिला के मतलब ठीक रहा, और राइड भी हमारी जो है तकरीबन 200 किलोमीटर हमने राइड की है, और कोई थकान नहीं हुई। मौसम इतना अच्छा था, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इतना अच्छा वेदर था कि हमें बिल्कुल भी थकान नहीं लगी, और ऐसा नहीं लगा कि बहुत लंबी राइड होगी। तो चलो बाकी देखते हैं, आगे चलते हैं, जो भी होगा एक्सप्लोर करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस होटल से चेकआउट करने के बाद हम लोग चलते हैं भानगढ़ की तरफ, और आज ही हम लोग भानगढ़ कवर करेंगे, उसके बाद फिर कल को लोकल का जो है अलवर। तो भानगढ़ पहुंचने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस कंडीशन है, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता। बाकी अपना बाइक वगैरह रेडी हैं कुछ, एक बाइक उधर है गियरी, एक हमारी है, एक उधर पीछे। तो चलो चलते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको नज़ारे। तो भाई सुबह है, फिर 4 बजे से उठे हुए हैं, कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसे ही घूम रहे हैं मतलब बिंदास। अब जाके भूख लग रही है तकरीबन। तो भानगढ़ जाने से पहले बीच में हमने स्टॉप लिया है, ये है तुम्हारा किंग होटल, नाम से तो किंग लग रहा है, पता नहीं बाकी होगा क्या। तो देखते हैं खाना वाना खाते हैं, उसका नॉन स्टॉप सीधा भानगढ़ पहुँचेंगे, भानगढ़ एक्सप्लोर करेंगे, और फिर उसके बाद शाम में जो है ना, अभी प्लान ये है कि हम शाम में ही वहाँ से रिटर्न कर लेंगे। और हमने जो स्टे किया है, होटल लिया है, वो हमने लिया है अलवर में। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि आज जो है ना शाम में हम लोग अलवर वापस आ जाएँ, मतलब रात में लेट भी आ जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। भानगढ़ का डिस्टेंस ज़्यादा है तो सोच रहे हैं पहले इसको कवर कर लेते हैं, और उसके बाद कल को अलवर का लोकल एक्सप्लोर करके और शाम में अपना दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। टोटल जो भी कॉस्टिंग वगैरह जो भी कुछ रहेगा ना, मैं पूरी वीडियो में आपको डिटेल में दे ही रहा हूँ और आगे भी दूंगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखो, चैनल को लाइक करो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगता है वीडियो का वो भी कमेंट करो, क्या आपको बुरा लगा वो भी बताओ, जो भी आप मेरे से बिल्कुल खुल के कहो, ओपन ले करो, मैं सबकी सुनूंगा, सबके कमेंट करूँगा। ठीक है, चलो चलते हैं, फिर कुछ खाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। इधर अपनी कुछ बाइक खड़ी हैं बोरी, और उधर स्टे के लिए दिन लोगों ने बढ़िया बना रखा है यार, जैसे गांव में फीलिंग आती है ना, पेड़ के नीचे चारपाई वगैरह डाल के वही सीन चल रहा है कुछ। इधर अपने भाई लोग बैठे हैं, चलो खाते हैं कुछ। तो भाई पहुंच चुके हैं हम भानगढ़ फोर्ट पे, और ये कुछ इधर पार्किंग में हमने बाइक वाइक लगा दी है। एंट्रेंस में जो ना इन्होंने एक चेक पोस्ट टाइप बना हुआ, वहाँ पे 20 रुपये की पर्ची कटती है बाइक की, 50 रुपये की कार की, और उसके बाद ये बता रहे हैं 25 रुपये का मतलब इंडिविजुअली अंदर टिकट लगेगा। तो ये है कुछ एंट्रेंस, चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं क्या नज़ारे हैं। अभी कुछ गाइड वाइड की बात चल रही है, शायद गाइड लेंगे हम लोग तो आसानी हो जाएगी आपको समझाने में। इसे कहते हैं भाई मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, देखते हैं भाई आज हम भी क्या हॉन्टेड है इसमें। एंट्री मार दी है भानगढ़ में, ये भाई हमारे गाइड हैं, ये दिखाएंगे वो वीडियो वो देख रहे थे। पूरी वॉल है, प्रोटेक्शन वॉल है, और ये 2 किलोमीटर है, 5 गेट है इसमें पूरे, हनुमान गेट है, 2 गेट इधर है, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, व्यूज इनके रहेंगे, वाइज रहेंगे। और ये हम लोग आएंगे ना,